ओह नो, लगता है वीर इस खिड़की से बाहर निकल गया। जल्दी चलो उसे ढूंढते हैं। बॉस बॉस, गुड न्यूज, वीर को पकड़ के ले आ रहा हूँ। हाँ बॉस। अरे मेरी चोट गिरा दी। सतगंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी, अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तक कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी, इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें पानी के रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज रात देखना न भूले कैसे सुलझाया हमने पानी का रहस्य। फुर्सतगंज में तो लेक से पानी आता है, वहाँ पानी क्यों कम हो रहा है, ये मैं जाके पता करता हूँ। अंडरवाटर सूट ऑन। इमली चुलबुल, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। चलो हम भी चलते हैं वीर के साथ। लेकिन वीर तो मना कर गया है। तो तुम मत जाओ, हम तो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ। वाह, मछलियों का जीवन कितना सुंदर होता है, इसी पानी में रहना, खाना, मजे करना। शांति खत्म हुई, वो देखो कितनी बड़ी मछली, भागो। अरे ये यमदूत भी कहाँ से आ गई? चिंटू कुछ करो, ये कहाँ से आ गई, भागो।